कार्डबोर्ड बेबलेट बनाने के लिए जो बेसिक चीज़ चाहिए वो पहले तो कार्डबोर्ड तो चाहिए ही चाहिए, फिर चाहिए एक काटर जो थर्मोकोल काटते, ये मिल जाता है बुक स्टॉल में, इसको पेपर भी काट सकते हो, थर्मोकोल भी काट सकते हो, पतला प्लास्टिक वगैरह उसे भी काट सकते हो। उसके बाद चाहिए एक ग्लू गन चाहिए होता है, या फिर फेविक्विक फेविकॉल, और थोड़ा कुछ सामान चाहिए होता है, एक करके निकलते। एक चाहिए होता है मार्कर वाला पेन, कुछ कलर वाला इस तरह का हाईलाइट वाला पेन, फिर स्केच पेन कलर वगैरह करने के लिए, और चाहिए होता है जो ज्यामिति बॉक्स होता है, इसमें जो स्केल वगैरह होता है, त्रिकोण हो गया, स्केल हो गया, और मेन चीज होता है एक पेंसिल, ये वाला कंपास, ये चाहिए ही चाहिए होता है। एक पेंसिल भी चाहिए होता है, कोई पेन वगैरह, मेन जो होता है यही होता है उसको आकार देने के लिए, ये सब कुछ सही होता है। अगर एक बेबलेट को बनाओ तो पहले इसका ही इस्तेमाल आता है, ये सब को हम हटा देते हैं। पूरा बेबलेट मैं कंप्लीट बेबलेट नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ इसको दिखाने के लिए कार्डबोर्ड के ऊपर एक ड्रॉ करेंगे। ऐसा वाला कार्डबोर्ड का टुकड़ा लेना है, फिर इसको जो साइज़ इसका जो माप होता है, साइज़ होता है बीस में जो होल होता है, कोई सा भी एक लॉन्सर ले लीजिए, ये जो बीस में है यहाँ से पकड़ के इसका माप ले लेंगे, जो होल्डर है होल्डर का अंदर का जो होल्डर है जो घूमता है इसका माप ले लेंगे बीस में से पकड़ के, फिर इसको यहाँ पर बीस में लगा के इसको सेट करो, फिर इसको इस तरह से घुमा के एक सर्कल बनाएंगे, राउंड शेप सर्कल। अब इसको देखो ये सही है, सही हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सही है। अब जो बेबलेट का ये वाला जो हिस्सा है जहाँ पर ये लॉन्सर अंदर घुस के इसको लॉक करते हैं, ये वाला हिस्से को बनाएंगे। पहले तो मैं बाहर का माप ले लिया, आप थोड़ा अंदर का ले लेंगे, ये जो अंदर का है उसको लेंगे, इसको पकड़ के थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा अंदर की तरफ इस तरह से, इधर भी थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा, इसके आधा, अब जो बेबलेट का माप कैसा भी आप आकार दे सकते हो आपकी मर्जी, नए स्टाइल में या दूसरा बेबलेट देखकर भी बना सकते हो, कैसा भी आकार दे सकते हो। आप सही होगा वो मार्कर वाला पेन, जिस तरह पतला वाला नीब है, इसके ऊपर से ड्रॉ कर देना है। एक साइड मोटा रहता है, एक साइड थोड़ा लॉन्सर को पकड़ने के लिए अंदर की तरफ इस तरह से घुसा हुआ रहता है। ये देख सकते हो आप, अब जो ये हिस्सा है इसको काट के निकालना पड़ेगा, इसको काटने के लिए चाहिए ये वाला काटर नाइफ, धीरे धीरे से इसको काटना पड़ेगा आराम से।
क्योंकि ये मोटा वाला कार्डबोर्ड है, इसलिए उतना फिनिशिंग नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। इसके लिए यहाँ पर थोड़ा पतला बड़ा मजबूत वाला कार्डबोर्ड चाहिए होता है। इस तरफ निशान आ जाते हैं, ये जो काटते हैं इस काटने का निशान इस तरफ भी आ जाता है, इधर से भी। अब इस निशान के ऊपर निशान बन गया, इस लाइन के ऊपर से धीरे धीरे से काटना पड़ेगा। इस तरह से काटना पड़ेगा, फिर इधर भी इस तरह से काटना पड़ेगा। आप बाहर की तरफ कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। फिर वही ये वाला कॉम्पास सही होता है। मैं एक सर्कल सा बना देता हूँ, राउंड। अब स्केल को ले लेते हैं, इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, सीधा ऐसे लाइन खींचने के लिए। यहाँ पर एक डॉट लगा देता हूँ, यहाँ पर एक डॉट लगा देता हूँ। फिर इस तरफ से भी यहाँ पर एक डॉट लगा देता हूँ, यहाँ पर एक डॉट लगा देता हूँ। अब हम यहाँ से ये जो बीच का लाइन है, यहाँ से यहाँ तक इस तरह से खींचेंगे लाइन को। इसको भी खींच देते हैं यहाँ से, इसको भी खींच देते हैं यहाँ से, इधर इसको भी खींच देते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक इसका बीच में एक डॉट लगाएंगे, इसको भी बीच में डॉट लगा देते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब कैसा भी ले सकते, स्केल भी ले सकते, इसको भी ले सकते। अब पेंसिल का काम है, ये भी पेंसिल है, पुश करने वाला। जब इसका अंदर से वो कार्बन ख़त्म हो जाए, फिर से पुश करोगे तो अंदर आ जाए, बाहर निकल जाता है। ये क्लासमेट का एक ज्योमेट्री बॉक्स है, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मजबूत है। 130 रुपीज़ में मिल गया मेरे को। देखो यहाँ से ये जो डॉट है, यहाँ से ये डॉट तक हम एक लाइन खींचेंगे। दिखाई नहीं देगा। फिर यहाँ से इस डॉट से यहाँ तक, इस डॉट से यहाँ तक एक लाइन खींचेंगे। इधर भी ऐसे करना है, इधर भी ऐसे करना है, पूरा ऐसे ही करना है। फिर आप अपने तरीके से इसको थोड़ा राउंड शेप भी कर सकते हो, इस तरह से। देखने में अच्छा लगता है, इस तरह से राउंड शेप में भी कर सकते हो। फिर यहाँ तक ले आए, इसको थोड़ा बेंड करके यहाँ तक मिला दें। फिर इसको भी इस तरह से राउंड शेप में ले आए। इसको भी इस तरह से मैं कर दिया, सेम ये किए, इसको भी इस तरह से करना होगा, थोड़ा राउंड शेप में ले आएंगे, यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे, इसको भी थोड़ा इस तरह से लगा देंगे। देख सकते हैं आप, एक बेबलेट का आकार ले लिया। आप यहाँ पर कुछ इस तरह से कोई डिज़ाइन भी कर सकते हो, उसको काट काट के, शॉ ब्लेड की जैसे दिखता है, काट काट के डिज़ाइन भी कर सकते हो। थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो जाए तो कटर से काट के उसको ठीक भी कर सकते हो। बीच में एक
लोगो बना सकते हो, जैसे भी बेल ट्रिक बनाओ तो जैसे कि एक बी बी का शेप दे सकते हो इधर। दूसरा कलर ले सकते हो, स्केच पेन से डिज़ाइन डाल सकते हो। जो स्केच पेन है इसके में रेड वाला ले लेते हैं। इस तरह से मैं सिर्फ दिखाने के लिए इसको बना रहा हूँ। इसका साइज़ भी ठीक नहीं है, कोई छोटा हो गया कोई बड़ा हो गया। आप जब भी बनाए तरीके से बनाए, तो देखने में अच्छा लगे। अब दूसरा कलर ले लेते हैं। आप कोई सा भी कलर से ले सकते हो जो आपको अच्छा लगे देखने में। इस तरह का कलर लेके इसको ड्रॉ करते जाए। ये तो दिख नहीं रहा है। ये वाला कैसा होगा? बीस में इसको डाल सकते हो या डीप ब्लू भी डाल सकते हो। जो आपको अच्छा लगे इसमें कलर डालने में वो आप डाल सकते हो। अब इसमें येलो कलर लेंगे। ये येलो कलर काम में आएगा कि नहीं देखना पड़ेगा। ये नहीं आ रहा है। इसमें कैसा आएगा? डीप हो रहा है। इसको ले लेते हैं, शायद काम में आ जाए। इस तरह से एक डिज़ाइन बना देते हैं। जो आपको दिखने में अच्छा लगे आप लोग कोई बना सकते हैं।
अब इसको मार्कर से बॉर्डर दे देंगे, ये जो चीज़ है इसको बॉर्डर दे देंगे तो ये क्लियरली दिखाई देगा। इसको हम पूरा नहीं देंगे, देखने में खराब लगेगा। जो ये जो चीज़ है इसका भी बॉर्डर डाल दीजिए। हमेशा ब्लैक कलर का बॉर्डर देना चाहिए। मेरे पास ये ब्लू कलर का है। आप जब भी बनाए अच्छी तरीके से बनाएं, मैं सिर्फ दिखाने के लिए ऐसा बना रहा हूँ। इसको फिर इसको आकार दे देंगे बिबलेट का काट के। इस तरह से इस कटर से काटोगे तो नाइफ से काटने से ये सेव अच्छा आता है। देख सकते हो इस तरह से इसको काट के निकलना है। ये भी निकल गया, फिर इसको निकालते हैं। ये जो काट है इसके नीचे भी कार्डबोर्ड रखने से एक बार कार्डबोर्ड इस तरह से कार्डबोर्ड रख दीजिए। फिर काटने से ये जो नाइफ है ये नाइफ अच्छा रहता है, ख़राब नहीं होता जल्दी। ये भी निकल गया। अब जहां पर थोड़ा थोड़ा निकल के रहे वो सीजर से काट देना है। साइड में जो किनारा निकल निकल के रह गया उसको हम सीजर से काट देंगे। ये आप देख सकते हैं एक लेयर बन गया, ये इसमें भी आसानी से फिट हो जाएगा। ये देख सकते ये जो डिस्क ये भी आ जाएगा, क्योंकि मैं पहले से इसका माप लेके यहाँ से माप लिया था इसका, इसको बनाया। इस तरह से आप लेयर को बना सकते हो।
आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहे तो मैं इसको भी पूरा एक कंप्लीट बिबलेट बनाकर दिखा सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर इसको बनाना है तो कमेंट करके बताएं, तो फिर मैं इसको बनाऊंगा। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से कलर कर सकते हो, जो आपको मर्ज़ी इसमें कलर करके बना सकते हो, जो दिखने में अच्छा रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें, और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करें। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करके रखें, क्योंकि मैं इस तरह का नए नए स्टाइल का वीडियो डालते रहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।